अर्थ प्रकाश देखने में तमाम भाइयों बहनों को डॉक्टर स्वास्थ्य शर्मा का नमस्कार। प्यारे भाई बहनों, आज हम खड़े हैं सेक्टर 27 प्रेस क्लब के अंदर और यहाँ पर जय महाभारत पार्टी के नेशनल प्रेजिडेंट श्री भगवान श्री अनंत विष्णु देवा प्रभु जी हमारे बीच में मौजूद हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है। जय महाभारत पार्टी नेशनल लेवल पॉलिटिकल पार्टी है और कश्मीर से कन्याकुमारी तक ये जय महाभारत पार्टी एक ही आवाज़ है। ये समस्त भारत में कांग्रेस और बीजेपी पार्टी का विकल्प है। हम भारत देश को वर्ल्ड में नंबर वन बनाना जय महाभारत पार्टी का मेन एजेंडा है। इस तौर पर नया नया लोगों को हम पार्लियामेंट में असेंबली में भेजने के लिए हर राज्य में हमारा प्रयास हो रहा है और प्रस्तुत दिन जय महाभारत पार्टी पूरा हरियाणा राज्य में 90 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंस में चुनाव लड़ने जा रहा है। उसके साथ साथ पंजाब का बाई इलेक्शन में भी चुनाव में पार्टिसिपेशन हो रहा है। आप वैसे कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं? जो हम एक्चुअल महाराष्ट्र है, विष्णुवंशी है, विष्णुवंशी डायनासिटी का मैं हूँ। जो इन आपने जात का बारे में बोला, हम जात पात नहीं मानते, सारा विश्व मैंने एक ही मैंने है। वो नहीं, आपको जात पात से नहीं बोला, मैंने आपसे प्रश्न किया कि वैकुंठ ट्रस्ट का मालिक हूँ, वैकुंठ धाम का मालिक हूँ और विष्णुवंशी, विष्णुवंशम बोलते हैं संस्कृत में, विष्णुवंशम का हूँ मैं, मेरा वंश विष्णुवंशम है। ये महाराष्ट्र हमारा पूर्वज ने पश्चिम समुद्र से लेकर पूर्व समुद्र तक रूलिंग किया था, जो लगभग 70% भारत को हमारा खानदान ने रूल किया। सो इसलिए हम महाराष्ट्र है, लेकिन पढ़ाई दिल्ली में हो गया, कुरुक्षेत्र में हो गया। तो आप यहाँ पर हरियाणा में भी आए हो, पंजाब में भी गए हो कहीं किसी किसी जगह पर, तो आपको महाराष्ट्र और हरियाणा पंजाब के राजनीति में क्या डिफरेंस लगा? तो मौजूदा स्थिति में हरियाणा लोगों जो भी बोलता, मुंह से बोलता, जो भी करता, सीधा करता, घुमा महाराष्ट्र वाले नहीं बोलते। जो महाराष्ट्र का ऐसे है जो बोलते कम है, सामने एक बोलता पीछे। इसके अलावा ये पूछना चाहते हैं आपसे हम, जो आपके मेन एजेंडे होंगे हरियाणा में वो कौन कौन से होंगे? क्योंकि हरियाणा के इलेक्शंस आ रहे हैं 90 सीट्स पर, जैसे आपने कहा कि आप अपने कैंडिडेट्स खड़ा रहे, वो कैंडिडेट्स कब तक हो जाएंगे? क्या आपने जैसे अभी थोड़ी देर पहले एक प्रश्न भी किया था, कोर कमेटी गठित कर ली है? जी जी, इसके बारे में बताइए। अभी लगभग पूरा 90 सीटों पर 70 सीट तक लगभग फाइनल होने जा रहा है। जो सिलेक्शन कमेटी कुरुक्षेत्र में बैठ कर काम कर रहा है, कुछ लोगों करनाल में बैठ कर काम कर रहा है और बाकी 20 अच्छा अच्छा नया लोगों को देने के लिए वो लोगों को सजाव दिया, वो मान रहे हैं हम लोगों, सिलेक्शन प्रक्रिया चल रहा है। हम चाहते हैं पूरा हरियाणा में एजुकेशन सिस्टम, प्राइवेट एजुकेशन सिस्टम बैन करेंगे, सरकार टेक ओवर करना चाहिए। पूरा एजुकेशन चाहे जितने तक पढ़ो, स्कूल कॉलेजेस मुफ्त होना चाहिए, पेन पेंसिल कितला सब गवर्नमेंट का जिम्मेदारी होगा और जय महाभारत पार्टी एजेंडा है मुफ्त एजुकेशन सिस्टम देना चाहिए पूरा हरियाणा में। और दूसरी है हॉस्पिटल्स, प्राइवेट हॉस्पिटल्स जो सिस्टम पूरा बैन करके सरकार टेक ओवर करना चाहिए। सरकार यहाँ पर आयुष्मान भारत के तहत भी मुफ्त दे रही है, कार्ड बना रही है। आप कह रहे हैं कि आप अलग से मुफ्त शिक्षा मेडिकल छुट्टी दो, उसमें क्या डिफरेंस? ये देश में कितने कार्ड है, एक आधार कार्ड है, एक विजिटिंग, एक इलेक्शन कार्ड है, एक आयुष्मान कार्ड है, एक बीमा कार्ड है, एक आरोग्य श्री, ये पूरा बकवास का बात है, कन्फ्यूज का बात है। जब भारत का इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का वोटर है, किसी कार्ड का जरूरत है नहीं। तो जब आदमी भारत का सिटीजन है, आयुष्मान कार्ड क्या जरूरत है मुझे बताओ? ये पागल है नरेंद्र मोदी, तो बिल्कुल पागल है, वो रिमोट है। जो नरेंद्र मोदी जो पीछे घुमाते बोलने वाला एक ड्रामा, ये डायलॉग वाला एक एक्टर है। जो मनमोहन सिंह जो पीछे सोनिया चलने का वाला है, ये मनमोहन सिंह दिखते ये नहीं दिखता, बस इतने। ये बहुत बड़ा महान नहीं, कोई बुद्धिजीवी नहीं आज का प्रधानमंत्री, वो परचेज एंड मार्केटिंग का एजेंट है। नहीं, हम 5,000 करोड़ भी लगा देंगे, मेरे देने वाला बहुत डोनर्स है, वो इनकम टैक्स का तय पे लीगल फंड देने वाला बहुत मेरा अनुयायी है। जो भी करते हम लीगल से करते हैं, मैं खुद सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एडवोकेट है, 13 ईयर्स का मेरा स्टैंडिंग है। हम आउट ऑफ लॉ कभी नहीं जाएंगे, ऐसा यहाँ लूट के विदेश भाग जाने के लिए लोगों को मदद नहीं करेंगे जैसा प्रधानमंत्री करते, हम ऐसा काम नहीं करेंगे। तो इसलिए 100 करोड़ का किचड़ी किचड़ी चल रहा है, 1,000 करोड़ लेके चलेगा उसका कोई कार्रवाई है नहीं। तो यह कि अंधा राज चल रहा है, जब असुर लोगों राज चला रहा है, जब कांग्रेस भी असुर है और बीजेपी भी असुर है, जो देवता लोगों का, जनता लोगों का राज बनना जरूरी है। हम कानून आप हमें ये बताइए कि जय भारत महाभारत पार्टी को लोग वोट क्यों दें? जो आज तक किसी पार्टी का ये एजेंडा नहीं है, कंप्लीट फ्री एजुकेशन, कंप्लीट फ्री मेडिकेशन देने का किसी के पास है नहीं एजेंडा में, और जय महाभारत पार्टी पूरा कंप्लीट फ्री एजुकेशन, फ्री मेडिकेशन देने का है। और एमएलए कॉन्फ्रेंस में पब्लिक ऑफिस कम रेजिडेंस एमएलए लोगों को बनाने के लिए किसी पार्टी में आज तक भारत में है नहीं, एजेंडा में भी नहीं है। हम ये बनाएंगे, एमएलए एमपी को ऑफिस बनाने से क्या होता, जनता का सुविधा हो जाएगा, फ्री एजुकेशन मिलने से जनता का सुविधा हो जाएगा, फ्री मेडिकेशन से बहुत लोगों का आयुष बढ़ेगा, ट्रीटमेंट चलेगा, इसलिए हमको वोट देगा जनता हमारा विचार सुनने के। तो क्या आप बताइए कि आपका किसी अलायंस चल रहा है कि आप इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ोगे? नहीं, जय महाभारत पार्टी जिंदगी में बीजेपी कांग्रेस से अलायंस नहीं करेगा,
जो अभी तो हमारा विचार पूरा अकेले 90 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रहा है, बीजेपी कांग्रेस को छोड़ के कोई भी गठबंधन में हमारा लाइक माइंडेड है उसके लिए विचार किया जाता है। तो भाइयों बहनों, ये हमारे बीच में थे जय महाभारत पार्टी के नेशनल प्रेसिडेंट विष्णु देवा जी, डॉक्टर स्वास्तिक शर्मा अपने कैमरामैन मनदीप के साथ। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थ प्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।